हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। कढ़ी के लिए आज मैं बैंगन और प्याज की कढ़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ये थोड़ा सा ऑयल इतना लिया है कि इसमें मेरे बैंगन पक जाएं। ओके, अब इसमें मैंने थोड़ा सा आधी चम्मच के समथिंग मैंने इसमें मेथी डाला हुआ है। इतना इतना मेथी है, ये मेथी को इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा राई, जिसको सरसों भी कहते हैं, इतना मैंने डाल दिया। अब ये जब अच्छा लाल काला टाइप का हो जाएगा तो इसका मैंने गैस किया है थोड़ा मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें ये जो बैंगन और प्याज को लंबा लंबा काटा हुआ था, इनको काट कर मैंने पानी में धुलकर थोड़ी देर के लिए इसका पानी निकाल कर अलग कर दिया है। अब इसको मैं इस ऑयल में, ये जब अच्छे से मेरे काले टाइप का हो गया मेथी, मेथी जब काला होता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी पर। अब मैंने ये बैंगन और ये प्याज छोड़ दिया है। अब इसको मैं कम से कम 5 मिनट के लिए बढ़िया अच्छी पक जाने दूंगी। फिर मैं जब तक मैं कढ़ी की तैयारी कर लेती हूँ कढ़ी बनाने के लिए। ये देखिए, ये स्टेज फ्लेम पे ये पक रहे हैं बढ़िया से। अब इस पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दे रही हूँ, आधी चम्मच के समथिंग। इसमें मैंने नमक डाल दिया। नमक के साथ ही मैं इस पर थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ। नमक इसमें डाल देते हैं तो बढ़िया बैंगन में अच्छा अंदर तक नमक चला जाता है, जो स्वादिष्ट लगने लगता है खाने में। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब ये बढ़िया इसको मैंने चला दिया और इसको पकने देंगे थोड़ा सा भरकर स्लो पे। जब पक जाएगा तो अपना खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, अपना स्टार्ट हो गया है। आपको मैं पकने दे रही हूँ। अब ये मैंने घर पर दही बनाकर रखा हुआ था। रात को कम से कम मैंने ऐसे रात को दूध में गरम, थोड़ा सा गरम किया था दूध, उसमें थोड़ा सा दही का खटाई डाल दिया था। तो इतना ये मेरा प्योर दही है। लोग छाछ और जिसे मही भी कहते हैं उसका भी बनाते हैं कढ़ी, बट वो उतना टेस्टी नहीं लगता। दही का बनाते हैं तो इसमें थोड़ा मलाई रहता है तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट टेस्ट आता है। अब मैंने एक इतना बाउल था मेरे पास दही, इसको मैंने एक बड़े बर्तन में पलट दिया है। अब इस पर मैंने ये इतना, देखिए इतना भरकर मैंने इसका फुल तो नहीं भरा हुआ है, इतना ही लिया है, आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा बेसन लिया है। बेसन को मैं इस पर पलट देती हूँ और फिर मैं इसको चला देती हूँ बढ़िया से। इसको ऐसे पूरा फैट दीजिए, बढ़िया से पूरा मिक्स हो जाए कि एक भी थोड़ा सा भी ये जितना ये है ना खड़ा खड़ा, ये बढ़िया से बिल्कुल एक सा मिक्स हो जाए तरीके से, बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे करके। यदि आपको ऐसे नहीं बन रहा है तो आप हाथ से भी बढ़िया से ऐसे करके बढ़िया से मिक्स कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर इतना डाला मैंने इसमें। आप धनिया पाउडर मत डालिए। और ये मैंने ये लाल मिर्च पाउडर
आधी चम्मच डाल दिया है और इसमें नमक भी मिला सकते हैं आप। इसको बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसमें धनिया पाउडर नहीं डलता, यदि हाँ आपके पास धनिया हरी धनिया रहेगी तो वो कढ़ी बनने के बाद ऊपर से डाल सकते हैं। अब मैंने कढ़ी बनाने के लिए मेरे पास ये कढ़ी पत्ता, COVID-19 के चलते डेली मार्केट तो जा नहीं सकते हैं, तो ये कढ़ी पत्ता मैंने खट्टा खरीद कर रख लिया था और उसको सुखा कर धूप में सुखा कर फ्रिज में स्टोर कर दिया था, फ्रिज में पॉलीथिन में। अब मैंने इसको धुलकर यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा समथिंग इतना कढ़ी पत्ता ले लिया है और ये यदि आपके पास साबुत लाल मिर्च होती है वो हो तो और अच्छा रहता है, अब वो मेरे पास तो नहीं है प्रेजेंट में, तो ये मेरे पास लाल मिर्च पड़ी हुई थी, सूखी तो नहीं ऐसी, तो उसको मैंने बीच से टुकड़ा करके ये रख लिया है। इसका तड़का कढ़ी बनाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये मेरे बैंगन और प्याज को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है कढ़ाई पे, और अब ये इसको मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसे अलग प्लेट पे मैं निकाल लूँगी। बाद में मैं इसी कढ़ाई में कढ़ी का छौंक लगाऊंगी। कढ़ी बनाने के लिए देखिए मैंने ये पूरा तैयार कर लिया है। दही, इसमें दही है, दही आदि बता दिया है मैंने आपको। इसमें बेसन डाला है और हल्दी डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये देखिए आपको ये मैंने बता चुका है। और ये है मेरे पास हींग, आधी चम्मच हींग। ये है राई, सरसों भी डाल सकते हैं या राई कुछ भी। और ये मेरे पास है आधी चम्मच के समथिंग मेथी। अब इस पर ये ज़्यादा यदि अपना गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं पानी भी ऐड कर दूँगी, है ना। ये पानी इसलिए इतना इसमें सफिशेंट पानी डाल दीजिए कि आपको दही के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि कितना खट्टा है, अपने को कढ़ाई में ना डालना पड़े, इतना ही इसमें बना दीजिए कि कितना डालना है। मैंने क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये दही मेरा ज़्यादा खट्टा था तो मैंने इतना पानी इसमें डाल दिया है। आप थोड़ा सा इसमें और हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी ऐड कर दीजिए। इसी में आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं छौंक लगाने के बाद कढ़ाई में डालूंगी नमक। डालने को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने कढ़ाई में उसी कढ़ाई का मैंने पलट दिया है। अब ये मेरा जर अब मेरा ये इसमें दही है, दही मेरे को ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, दही और बेसन, तो मैंने इसी में पानी और ऐड कर दिया है। पानी इसी में इतना डाल दीजिए कि कढ़ाई में आपको डालना ना पड़े। अब मेरे को आइडिया है कि मेरा दही ज़्यादा खट्टा था तो मैंने इसमें ही पानी ऐड कर दिया है ना। ज़्यादा बेसन भी डालने से दिक्कत हो जाता है कि अपनी कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी बन जाती है। अब मैंने कढ़ाई में उस बैगन को अलग कर दिया है। अब उसी में मैंने कढ़ाई को मैं थोड़ा सा तेल डाला है, तेल इतना डाला है मैंने, है ना, आप देख लीजिए मैंने इतना डाला है। अब ये मेरी गैस मेरी स्लो पे है, मेरा ये जब भी आप ये मेथी और ये डालें तो उसके लिए गैस पहले से तेज कर, देखिए मेरे गैस से धुआं निकल रहा है मेरी कढ़ाई से। अब मैंने सबसे पहले इसमें ऐड किया है ये मेथी मैंने उसमें भी डाला था, ये जब बैगन को फ्राई किया था ना, मेथी मेरी होनी चाहिए काली टाइप की पड़ जानी चाहिए, उसी में मैंने फिर ये राई डाला। ये देखिए इस टाइप से तड़का अलग ही समझ में आने लगेगा। फिर मैंने ये हींग लिया है, हींग में डाल रही हूँ और अब मैं इसको डालूँगी मिर्च और ये कढ़ी पत्ता को मैं इसमें अभी डाल देती हूँ। अब जब ये अच्छा मेरी लाल हो जाएगी वो जो मिर्ची और वो
अच्छे से, इसलिए बघार ही में लगना चाहिए। यदि खरा बघार नहीं लगाया तो कहीं में उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता है। ये अच्छा लाल होना चाहिए, जब ये फिर यदि खरा नहीं होगा ना तो अच्छा टेस्ट पर मैं इसको पकने दे रही हूँ। जब यदि ये खरा नहीं होगा तो कहीं में टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब मैं इसको करने के लिए ये जो मैंने तैयार किया है इसको मैं एक हाथ से डालूंगी और दूसरी तरफ से मैं प्लेट को तुरंत ढक दूंगी तो अच्छा बघार बहुत अच्छा तेज लगेगा। देखिए ये बघार ऐसे लगा और मैंने इसको ढक दिया, इसी प्लेट से ही ढक दिया। अब ये देखिए ये मैंने बघार लगा दिया है। उस प्लेट को मैंने कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट तो आप उसे ढके रहने दीजिए, है ना। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद जब इससे ये पकना स्टार्ट हो जाए तो इसमें मैंने इसमें आधी चम्मच के समथिंग स्वादानुसार आप नमक डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है नमक, स्वाद के अनुसार आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा और डाला क्योंकि मैं थोड़ा सा कड़ी में ज़्यादा मिर्च पसंद करती हूँ। आप इसमें धनिया पाउडर बिल्कुल ही मत डालिए। जब ये मेरे से इसका अच्छा पकना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने तो बैंगन को अलग से फ्राई तो कर लिया, वो अच्छे से पक चुके हैं। जब मेरी कढ़ी अच्छे से पकने लगेगी, जब मेरे को उसको मैंने को ये समझ में आएगा कि अब इसको उतारना है तो मैं इसको इसके कढ़ाई उतारने से मैं 2-4 मिनट पहले दो से तीन मिनट पहले मैं ये बैंगन को उसमें ऐड कर दूँगी। वीडियो बनी तब मैंने इसमें वो जो 5-10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से पका चुकी हूँ। इसमें मैं जो बैंगन रखा हुआ था पहले से फ्राई करे थे बैंगन और प्याज का, फिर उसे अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया, पलट दिया। अब इसको मैं 5 से 6 मिनट तक स्लो में पकाऊंगी। अब आप देखिए 5 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गई है। 5 मिनट तक मैंने इसको स्लो फ्लेम में अच्छे से पकाया है। अब मैं यदि आपके पास हरी धनिया है तो ऊपर से हरी धनिया भी डाल सकते हैं। और इसको अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।